नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक एज। मैं हूं आपके साथ मयंक। क्रिकेट में आज बात करेंगे टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की, जिनका बल्ला आजकल खामोश है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दो मैचों की टेस्ट सीरीज अब खत्म हो चुकी है। इस सीरीज में भारतीय टीम को 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। हैरानी की बात तो ये है कि इस सीरीज में टीम इंडिया के सभी बल्लेबाज तो फ्लॉप साबित हुए ही, साथ ही साथ कप्तान विराट कोहली का बल्ला भी पूरी तरह से खामोश रहा। न्यूजीलैंड दौरे पर कप्तान विराट कोहली पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। ऐसे में कई पूर्व क्रिकेटर्स विराट कोहली के फॉर्म पर सवाल उठाते हुए उनकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने विराट कोहली के बैटिंग फॉर्म को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कपिल देव का कहना है कि विराट कोहली को अब और ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है। शायद विराट कोहली के रिफ्लेक्सेस, हाथ और आंख के बीच के तालमेल कम हो रहे हैं। इसके साथ ही कपिल देव ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। भारत को पहली बार विश्व विजेता बनाने वाले कपिल देव ने विराट कोहली के बल्लेबाजी के दौरान संघर्ष करने पर कहा, एक तय उम्र पर पहुंच जाने के बाद जब आप 30 पार कर लेते हैं तो आपकी आंखों पर इसका असर पड़ता है। विराट कोहली की ताकत उनकी अंदर आती हुई गेंद हुआ करती थी और कोहली उस गेंद को फ्लिक करते थे और चौके के लिए भेज देते थे, लेकिन अब विराट कोहली इन्हीं गेंदों पर 2 बार आउट हो चुके हैं। इसलिए मेरे हिसाब से विराट कोहली को अपनी नज़रों के साथ बेहतर तालमेल बैठाने की ज़रूरत है। सहवाग, द्रविड़, विव रिचर्ड्स ने भी अपने करियर में इस तरह की परेशानियों का सामना किया था, इसलिए कोहली को और ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है। आपकी नज़रें 18 से 24 साल तक अच्छी होती हैं, लेकिन इसके बाद ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस पर कैसे काम करते हैं, नहीं तो आपकी मजबूती बहुत जल्द कमजोरी में बदल सकती है। न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत भारतीय टीम ने बड़े ही शानदार तरीके से की। T20 सीरीज में न्यूजीलैंड को करारी मात दी, लेकिन इसके बाद वनडे और टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को मानो सांप सूंघ गया। इसके साथ ही कप्तान विराट कोहली का बल्ला भी पूरी तरह से खामोश रहा। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में कोहली के बल्ले से मात्र 38 रन ही निकले। कोहली से इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और T20 में भी कोहली के बल्ले को मानो जंग लग गया था। कोहली ने इस दौरे पर कुल 11 पारियों में 218 रन बनाए हैं और यही वजह है कि कपिल देव ने कोहली को उम्र के साथ ज़्यादा प्रैक्टिस करने की सलाह दी है। अंत में जाते जाते एक सोचने और समझने वाली बात, शिक्षा ही इंसान की सबसे अच्छी मित्र है। अगली बार फिर मिलेंगे क्रिकेट जगत की एक नई और दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए NBC News चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।